सोडियम एटम, आइए स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और बेटे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप किस तरीके से अपनी जो डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन है बेटा, इनको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मैनर में कैसे डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा बेटे वीटी ग्राफ जो है ये है कैसा, वर्टिकल एक्सिस आपके जो हैं इनके अलोंग आप जनरली बेटे वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की इसको कंसीडर करते हैं। एंड स्टेशनरी कितनी रिक्वायर्ड, और बेटा आपके जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस हैं इन एक्सिस पे आपने बेटे टाइम टी इमेजिन कर लिया, राइट जी। और आपका ग्राफ बेटे जो है ये आपका ग्राफ कुछ मान लीजिए यहां से स्टार्ट हो रहा है और आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का, राइट बेटा, ठीक है जी। और ये ग्राफ आपको क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पर नहीं है, मूव कर रहा है, और इनिशियली इसकी वेलोसिटी को स्मॉल यू हमने ऑलरेडी ऐसे बोला था, ठीक। और टी टाइम के बाद ये यहां पे पहुंच गया, बी पॉइंट पे पहुंच गया है। बी से मैं बेटे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं इन एक्सिस पे, यहां पे आ गया, ठीक हो गई बात बेटा। और इसको सी बोल दें, यहां से एक और मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं ये बी सी पे, इसको मैं डी कह दूं, कह देना चाहिए ना। और ये वाला एंगल इमेजिन कर लीजिए मैंने बोल दिया थीटा। जब आपका ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे पहुंच गया है, इधर थोड़ा देखिए साइड पे इतनी वेलोसिटी हो गई, ये देखिएगा ना इतनी हो गई ना वेलोसिटी, ये स्मॉल यू से ज्यादा हो गई है वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो आपका मोशन ऑब्जेक्ट का क्या है, एक्सेलरेटेड, वेरी नाइस। तो इसको मैं इस तरफ ऐसे लिख दूं अगर बी, तो आपको कैसा लगेगा बच्चों, फाइन। अब देखिए इस तरफ हमें ये यहाँ पे टाइम लिख लेना चाहिए था, ओ से लेकर सी तक टाइम लग गया टी सेकंड्स, ये कह देते हैं, इट विल बी मच बेटर, है ना बेटा, क्या कहते हो आप लोग, हाँ एक बार दोबारा बोलिए अपना क्वेश्चन। बी से डी तक कुछ भी नहीं, ये डी पॉइंट हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाया है, डी पॉइंट कोई नहीं है, ये तो हमने अपना सिर्फ बी टू सी, ये कह रहे हो आप बी पॉइंट से देखो इस तरफ, ये फाइनल वेलोसिटी है, लिखना इधर था, मैंने आपको समझाने के लिए इधर लिख दिया ताकि आपको अच्छे से साथ ही साथ समझ आ जाए, राइट। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, फाइनल वेलोसिटी ही है ऑब्जेक्ट की और ये आपकी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है, क्यों मिलन, सही है, गुड, खुश हो गया मिलन। देन फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास जो है बेटा मोशन की, दैट इज वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है, गुड। आपका नाम बेटे मैं भूल गया, आपने कभी बताया भी नहीं वैसे ना, योर गुड नेम प्रगुन, तो बेटे प्लीज स्टैंड अप बेटा, आप मुझे बताइए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बेटे इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे, और वो चीज नहीं बताई जो आपको बतानी चाहिए थी, एक मिनट वेट करिएगा, आप तर बैठिए, आप बैठिए, बैठते जाइए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बेटी इंपॉर्टेंस क्या है,
बैठिए बैठिए, मिलन कहाँ चला गया बोलो। आप देखो आप पहले ही खड़े हैं, आप बताने के लिए आप कह रहे हैं बता नहीं, बैठो। हाँ जी गुड़िया, और यस कैसे बैठिए, वेरी नाइस वेरी नाइस। आप लोगों ने दो इंपॉर्टेंस की हुई है वीटी ग्राफ की बेटा। पहला था आपको एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दे देता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अगर आप एरिया निकाल लो ना इसके नीचे कितना है वीटी ग्राफ के नीचे, तो आपको बेटे सारे का सारा डिस्टेंस कवर्ड ऑब्जेक्ट का मिल जाएगा। सेकेंडली अगर आप इसका स्लोप निकाल लेते हैं तो स्लोप आपको दे देता है एक्सेलरेशन। अब बात यह है कि स्लोप क्या चीज है, ये नई टर्म आ गई है। आप बुढ़िया स्लोप क्या होता है पुत्र, इट इज नहीं बेटे, हाइट तो हाइट ही होती है, हाइट को स्लोप क्यों बोलना हमने। बैठिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बेटे, योर गुड नेम। हाँ जी हाँ जी, इधर इधर इधर। हाँ जी क्या नाम, आपका नाम बड़ा औखा लग रहा है भाई। चलिए बताइए बेटे, बताइए स्लोप का क्या मतलब है, उसको बोलने ना बेटे स्लोप। स्लोप को आप कैसे समझाओगे अगर आपको कोई पूछे कि स्लोप क्या होता है। आप आपका आप पॉइंट आउट ठीक कर रहे हैं, ऐसे ही होता है, लेकिन आप इसको इन वर्ड्स भी कह के बताइए ना। हाँ चलिए कोई बात नहीं, आप ध्यान दीजिए, इंक्लाइन। बैठिए, एनीवन फ्रॉम योर साइड, एंगल थीटा। बेटे ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने शायद मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, नहीं पढ़ी, ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी। हम ऐसे हमने पहले बात की हुई है ना थोड़ी बहुत। चलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल हमने इमेजिन कर ली। इसमें राइट एंगल कौन सा लग रहा है आपको, ये वाला लग रहा है, इसका कुछ नाम रख लें, ए बी सी रख दें, इसको परपेंडिकुलर कहते हो, इसको बेस कहते हो, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हो, इसको आप जनरली एंगल थीटा कहा करते हो। तो फिर मैं तो कुछ भी नहीं गया बच्चों, साइन ऑफ एंगल थीटा अगर आपने निकालना हो, इस एंगल का साइन वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। आप थोड़ा सा हिंट लिख लीजिएगा फिर नहीं भूलेगा आपको, कॉस ऑफ एंगल थीटा ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, राइट डियर चिल्ड्रन। एंड अगर आप टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा निकाल लोगे, इट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इस टेंजेंट थीटा को ही आप स्लोप कहा करते हो। समझ आ गई बात बच्चों, जब आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो, उस लाइन को फिर आप बेटे ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लो। पहले ये लाइन ही थी हमारी, फिर हमने ट्रायंगल बना ली, अब यहाँ पे एंगल बन गया आपके पास। अगर आप टेंजेंट ऑफ दिस एंगल निकाल लोगे तो दैट विल ऑटोमेटिकली गिविंग यू द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट। समझ आ गई सारे स्टूडेंट्स को, अब भूलोगे तो नहीं। हाँ जी मिलन जी, नहीं वो कहता भूलेंगे, अच्छा नहीं भूलेंगे, चलिए गुड। सो आइए आगे चलें बेटे, मैं ट्रायंगल ए बी डी की बात कर रहा हूं, ए बी डी को आप अच्छे से देख पा रहे हो, ऊपर दिख रही है ट्रायंगल, ये इस ट्रायंगल में अगर मैं स्लोप निकालना चाहूं ट्रायंगल में से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो ये मुझे टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा दे देगा, और ये किसके बराबर है, बी डी बाई
एडी, जरा ध्यान दीजिएगा, आपका जो स्लोप है ये आपको एक्सेलरेशन दिया करता है, इट इज इक्वल टू बीडी को जरा ध्यान से देखो डायग्राम में, बी बीसी माइनस, बहुत अच्छे जी बहुत अच्छे, बीसी माइनस सी डी, वेरी नाइस, अब आपको याद आ गया भाई एडी को एडी रहने दिया, बहुत बढ़िया, और बीसी कितना है, वी फाइनल वेलोसिटी है ना बेटा, एंड सी डी कितना है, अगर आपको थोड़ा सा भी इल्यूजन हो ऐसे देख लिया करो ऐसे, यस इनिशियल वेलोसिटी यू आ गया, अब तो आपको आ गया सारा, अब तो कोई दिक्कत नहीं रह गई, टी को इधर ले आइए शिफ्ट करके, पक्की बात है ऐसे लिख दो, यू को उधर ले जाऊं, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया, यही करना था हमें, है कोई मुश्किल कोई बात, बहुत आसान बेटे है ना बेटे, चले आगे, अब सेकंड इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट, अगर आप लोगों को ऑलरेडी आता है बहुत खुशी वाली बात है, आप अगर पहले नोट नहीं किया हुआ आप नोट कर लीजिए, बुक मत अभी खोलिए प्लीज, ठीक है, नहीं कॉपी खोलो, कॉपी की कोई बात नहीं, कॉपी तो काम करना ही है हमने, सो आइए बेटे आगे चलें, आगे हमारे पास बात आ जाती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा आ जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, जरा इसमें जो लेटर्स यूज हुए हैं इनके साथ जान पहचान कर लें, आप बताइए अगेन, उठ जाइए, ये सारे लेटर्स क्या क्या इंडिकेट करते हैं, s क्या है, u क्या है, t क्या है, 1 बाई 2 क्या है, सब क्या है, s इज डिस्टेंस कवर्ड, इट इज इनिशियल वेलोसिटी, टाइम टेकन फॉर व्हाट, और a ये क्या है, ये तो कॉन्स्टेंट ही है ना, और ये वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, आपको सबको पता है, बड़ी खुशी वाली बात है ना, अब आइए डिस्टेंस कवर्ड s जो होता है, आपने इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्राफ में कहा था इट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट जी, इसको हम अगर ऐसे लिख लें, एरिया ट्रायंगल हमने ले लिया ए बी डी एंड एरिया ट्रायंगल रेक्टेंगल लेंगे ओ ए सी डी, ठीक है जी, चलिए अब आगे, ट्रायंगल का एरिया ओ ए, अच्छा डी सी लिख दूं यहां पे, लीजिए ठीक है जी, ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आ गया 1/2, बेस कितना है ट्रायंगल का, वेरी नाइस, हाइट कितना है, यस, और लेंथ रेक्टेंगल का, चलिए ओसी लिख दिया, ब्रेथ कितना है, ये लिख दे, ओए एक ही बात है, अब आइए इनको थोड़ा वैल्यूज को पुट करके देखें और चेक करें हमें क्या चीज यहां पे मिल जाती है, s विल बी इक्वल टू 1/2 ए डी, इसको टाइम लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, चलिए आपने कहा मैंने लिख दिया, अगर
आई तो फिर आपको देखना पड़ेगा DD को फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल कर दिया, OC को कर दिया जी कर दिया, एंड OA को ठीक है हो गया। ये वाली टर्म को पहले लिख ले, ये बन गया UT प्लस 1/2 इंटू टी। अब ये हमें V माइनस U को निकालना पड़ेगा, है ना? आप जानते हैं V इज इक्वल टू U प्लस AT होता है, इसको इधर ले आए, इसकी वैल्यू पुट कर दें यहां पे, सो S विल बी इक्वल टू AT इंटू टी UT प्लस, सो इन दिस वे आपका सेकेंड इक्वेशन बन जाता है। चलें आगे, कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा इसमें बात? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल निकल सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटे, क्यों नहीं हो सकता। चलिए बेटे थर्ड इक्वेशन करके देखें फिर, लेट अस गो फॉर विद द डेरिवेशन ऑफ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटे। सो बेटे वी हैव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, याद है आपको कौन सी है? ठीक है जी बहुत अच्छे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बिल्कुल ठीक बोला आपने। वी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, ए आपका एक्सेलरेशन, एस आपका डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा, राइट बेटा? अब बेटे ये इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम पूरा ट्रापीजियम का एरिया कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है जी। एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापीजियम, कौन सा है? ओ ए बी सी, राइट जी। ट्रापीजियम का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? प्लीज स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप। बहुत बढ़िया, इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा बेटे इनके बीच में? ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है और इनके बीच में ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, गुड। सो बेटे एरिया ट्रापीजियम का होता है बेटा 1/2, इट इज सम ऑफ पैरेलल, ये दो लाइंस अगर आप वर्टिकली ड्रॉ कर दो इसका मतलब होता है पैरेलल, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। सो ये बच्चों हमारे पास बन गया 1/2 पैरेलल साइड्स डियर, दिस इज ओ ए प्लस बी सी एंड प्लस नहीं भी, अब प्लस नहीं, इट इज ए डी कर लीजिए, चलिए जैसे आपका मन खुश हो जाए, बच्चे खुश रहने चाहिए। हाँ जी प्लीज स्टैंड अप, उठ जाइए, अब बोल दीजिए क्या कहना चाहते हो आप। हाँ जी एस इज इक्वल टू 1/2 के आगे क्या लिखूं? ओ ए आपका इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल है, ये टी लिख दिया, बैठिए बेटा। अब ये थर्ड इक्वेशन तो बना ही नहीं, क्यों मिलन? अब क्या करें? एक मिनट एक मिनट, मिलन कहाँ चला गया बताइए फिर। तो ये थर्ड तो बनी नहीं,
अब क्या करें? हाँ जी, फर्स्ट इक्वेशन हमने पिक कर ली, उससे क्या करें? टी की पुट करेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बी इज इक्वल टू यू प्लस एटी है ना, तो बी माइनस यू इज इक्वल टू एटी कर दें। हाँ जी मिलन जी, ठीक है। मिलन की आवाज नहीं आ रही आज, पता नहीं क्या बात है। हाँ, क्या कहता है? अच्छा, गला बैठ गया है। तो v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू टी कर दे। हाँ, वो तो बना ही हुआ है, हमें t चाहिए था ना बेटा, इसलिए ऐसे किया है। t की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए ऐसे, राइट कर दें। ऐसा आ जाएगा, इनको मैंने ऑर्डर में उल्टे लिख दिया, ए को इसके साथ ले जाएं, ये दोनों साथी हैं। अरे अरे, आपको आता है, बहुत खुशी वाली बात है, लेकिन उसको संभाल के रखिए, पेपर में लिखना भी है, यहीं पे सारी एनर्जी मत लगा दीजिएगा, पेपर के लिए भी बचा के रख लेना, राइट। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट विल बी वन बाई टू ए बी स्क्वायर माइनस, राइट। अब इस ए एस को, ए टू ए को इधर ले जाएं। आइए आइए देखें, चलिए इधर लिख देता हूं मैं, इट विल बी टू ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, कोई आपको दिक्कत हो इस इक्वेशन की डेरिवेशन में तो बता दीजिए, मुश्किल तो नहीं लग रही कोई बात? वैसे मुश्किल है भी नहीं है, आसान ही है काम। पेपर में बेटे देखो, अब आ नहीं सकती आपको, क्योंकि आपका पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, डेरिवेशन तो वो नहीं डालेंगे आपको, लेकिन इतना जरूर है कि आपको प्रोसीजर आना चाहिए कि ये कंटेंट जो है या ये जो टर्म है ये कहाँ से आई है, कैसे आई है। वो सिंपल क्यों पूछेंगे, वो आपको न्यूमेरिकल पूछेंगे, है ना। वो तो देखो, अब क्या पता, आप देखते हैं, वन थर्ड होती है बेसिकली, तो टोटल आपका पेपर कितने मार्क्स का है, 40 का वन थर्ड कितना हुआ, ये आपके फिर ऐसे हो जाएगा ना बेटा, लिसन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो है 13 13 14 हो जाएगा, कोई एक पेपर 14 का आ जाएगा, बाकी दो 13 के आ जाएगा। कैसे कैसे कैसे, केमिस्ट्री और फिजिक्स 13, बायो को आपने ज्यादा परसेंटेज देनी है, पता नहीं आप ऐसे कह रहे हैं, ऐसे वैसे नहीं होना चाहिए, बराबर ही होता है ऑलमोस्ट। तो अभी ऐसे है कि सीबीएसई की तरफ से कोई आया नहीं पेपर, लेट इट बेटा अपीयर, देन वी विल बी, क्या होता है क्या नहीं होता। चले आगे, आप इसके बाद बेटे मेरे पास कंसेप्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, आइए समझें, सोचें, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और हम किस तरीके से उसके साथ डील कर पाएंगे। हाँ जी बेटे, कोई और बात है तो बताओ। ये पीरियड लगाने तो फिर आपसे बात करते हैं बेटे, कोई और पॉइंट है किसी स्टूडेंट का इनके बारे में तो बताइए, कोई आप पूछना चाहते हो? नहीं, कुछ कह रहे थे आप, ठीक है। छ
चलिए देन बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटे जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक में कांस्टेंट वेलोसिटी से स्पीड बोलना चाहिए मुझे वैसे मूव करता है, वी से दैट मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मान लो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ओ बोल देते हैं इसको। आपका जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ने बेटा ए पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, और मूव करते करते ही एंटी क्लॉकवाइज जाई जा रहा है। अब हर एक पॉइंट पे ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, अगर मान लीजिए मैं ये पॉइंट पे बात कर लूं, मैं एक बार आपको और क्लियर कर दूं, स्पीड आपके ऑब्जेक्ट की बिल्कुल फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, नहीं वेरी कर रही। मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से मूव कर रहा है, वो फिक्स्ड है, ठीक है। अगर वेलोसिटी या स्पीड आपकी फिक्स्ड होती है, यू वी के बराबर आ जाए अगर, तो एक्सेलरेशन कितनी होती है? अरे नहीं, आपने पढ़ा था ना एक्सेलरेशन वी माइनस यू अपॉन टी। अगर आपका वी यू के बराबर हो जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बोलते क्यों नहीं, डरते क्यों फिर आप? ए 0 आ गया ना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बराबर है तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन पोजेस नहीं करेगा, यही है मतलब इसका। लेकिन अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी में बेटे हमारा डायरेक्शन भी साथ में आता है। इस पॉइंट पे नो डाउट आपका ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, बट इसकी डायरेक्शन इधर है, ऐसे है। यहां पे एक और पॉइंट ले लीजिए, इस पॉइंट पे आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ 5 मीटर से ही जा रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या सेम है, बदल गई है। और यहां पे आपका ऑब्जेक्ट जो है ऐसे मूव कर रहा है, क्या यहां पे डायरेक्शन सेम है, बदल गई है, क्योंकि डायरेक्शन में रेगुलरली चेंजेस आ रही हैं। तो वी कैन नॉट से दैट कि वी यू के बराबर है, मैग्नीट्यूड तो बराबर है, लेकिन जब आप वेलोसिटी की बात करते हो तो मैं अगर ऐसे कर दूं बेटा तो अब आपका वी यू के बराबर तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डायरेक्शन अलग है। इसका मतलब है एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो गया, और एक्सेलरेशन अगर नॉन जीरो है तो मोशन को क्या कहेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। सो कई बार आपको एग्जामिनर पूछते भी हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन, व्हाई, हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस? तो ये सारा कंसेप्ट अपने माइंड में रखिएगा कि डायरेक्शन क्योंकि चेंज हो रही है रेगुलरली, दैट इज व्हाई वी विल से दैट कि हमारा मोशन एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा। इसके साथ रिलेटेड फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंड डिग्री एंड रेडियन। ये आई होप आपको सबको अच्छे से, हाँ जी मिलन जी, पता है कि नहीं पता, रिवाइज करने की जरूरत है ना। चलिए मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करता हूँ। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट ये बी बी पॉइंट पे पहुंच गया, यहाँ पे ए से लेकर बी तक आने को उसको टी के बराबर टाइम लग गया, और इतना एंगल सेंटर पे ये बन गया। इनिशियल पोजीशन ने और फाइनल पोजीशन ने टी सेकंड्स के बाद जो पोजीशन है, फाइनल पोजीशन उसको बोला हमने, इन दोनों पोजीशंस ने सेंटर पे कितना एंगल बना दिया है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बेल जब बजती कुछ हो जाता है हमें, है ना, अच्छी बात है, दैट शुड बी देयर
सो कोई बात नहीं, बाकी कल कर लेंगे। थैंक यू बेटे ऑल।